हेलो दोस्तों, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको 24 वोल्ट 50 एएच का बैटरी पैक बनाना सिखाएंगे। हमारे पास ये हाई स्टार कंपनी का 3.2 वोल्ट 25 एएच का सेल्स है। दोनों सेल्स का पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ रख के इसे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो ये इस तरह से पैरेलल में हो गया है। अभी इसका जो वोल्टेज है वो 3.2 वोल्ट रहेगा, लेकिन जो एएच रहेगा वो 25 से बढ़कर 50 हो जाएगा। तो अभी ये दो सेल 50 एएच का हो गया। इस तरह से मैंने 7 पेयर बनाया है। मैंने 24 वोल्ट का बैटरी पैक बनाकर दिखा देते हैं फटाफट। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसके पहले वीडियो मैंने आपको 48 वोल्ट 25 एएच का बैटरी पैक बनाना सिखाया है। सेल टू सेल बैलेंसिंग कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और भी बहुत सारी वीडियो सेल से रिलेटेड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इन दोनों सेल को मिलाकर हम एक सेल काउंट करेंगे। तो इन सातों पेयर्स को हम सीरीज में रख कर कनेक्ट करेंगे। देखिए, इधर ये दो पॉजिटिव हो गया, फिर इधर दो नेगेटिव हो गया, फिर इधर दो पॉजिटिव हो गया, फिर इधर दो नेगेटिव हो गया, फिर इधर दो पॉजिटिव हो गया, इधर दो नेगेटिव हो गया और इधर लास्ट में पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से इसे सीरीज़ में लगा लेना है। अब सीरीज़ में कनेक्ट कैसे करेंगे? तो हम कनेक्ट करने के लिए दोस्तों ये वाला बस बार का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे हम फाइनली नेगेटिव टर्मिनल पकड़ेंगे। ठीक है, यही हम कनेक्ट करेंगे अपने बीएमएस को। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। ये दो सेल, मतलब ये चारों सेल आपस में सीरीज में हो गए हैं। अभी ये दो का पेयर जो है ये हमारा सीरीज़ में यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से ये इसका करंट इसमें जाएगा और इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव पर आएगा। तो हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से देखिए, अब ये हो गया, ये वाला ये पॉजिटिव इस टर्मिनल पर आएगा। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इसमें होके यहाँ पर आएगा। अब इससे हम ये वाले सेल को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से ये कनेक्शन करने के बाद अब ये वाला जो पेयर है ये रेडी हो गया। अब इस पेयर को हमें इस वाले पेयर से कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। तो ये पॉजिटिव से इस नेगेटिव पर जाएगा यहाँ पर। तो हम इसे कर देते हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब ये वाला पेयर हमारा पूरा रेडी हो गया। अब इस पेयर से, क्योंकि इधर हमने माइनस कनेक्ट किया तो अब ये वाला प्लस का टर्मिनल खाली है, तो इस प्लस से इस माइनस पर जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी सिर्फ ये एक सेल बाकी है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ से हमारा करंट इधर फ्लो होगा, इधर ये दोनों का करंट आएगा इस पॉजिटिव पर, पॉजिटिव से फिर इस नेगेटिव पर आएगा। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। फाइनली हमें इस टर्मिनल पर पॉजिटिव मिलता है और इस वाले टर्मिनल पर नेगेटिव मिलता है। ये दो टर्मिनल हमें खाली मिलेंगे, यहीं से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा। तो मैं इसका एक बार वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये 24 वोल्ट्स 50 एएच का बैटरी पैक बन रहा है। डीसी 200 पर इसे हमने रख दिया मल्टीमीटर को। तो मैं सारे सेल्स का वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव का है, तो हम ये नेगेटिव का वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और फिर हम एक एक करके सारे सीरीज को चेक करते चले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3.5 वोल्ट शो कर रहा है, फिर ये पहला सीरीज हो गया। अभी दूसरा सीरीज चेक करते हैं और दूसरे सीरीज पर हमें 6 पॉइंट के आसपास कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देखते हैं, 6.9 या 7 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से ये भी हमारा है। तीसरा सीरीज ये हम चेक करते हैं तो हमारा 10.6 आ रहा है। और फिर इसके बाद हम चौथा सीरीज चेक करेंगे तो हमारा 14 आ रहा है। और उसके बाद पाँचवा सीरीज हमारा 17.2 के आसपास आ रहा है। फिर इसके बाद हम
ये वाला पॉजिटिव पकड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से लास्ट वाले टर्मिनल पर हमें 24 वोल्ट्स मिल जाता है। इसी नेगेटिव टर्मिनल पर हमारा बीएमएस भी कनेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास 25-25 एएच का बैटरी पैक है और आप 50 एएच का बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम आपको बीएमएस कनेक्शन बता देते हैं। ये हमारे पास बीएमएस है, इस बीएमएस का यूज़ करके हम इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग हमारा नेगेटिव से होता है। इसको मैंने नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया। जब मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया है तो यहाँ जितने भी हमारे सीरीज में कनेक्शन करेंगे हम सब नेगेटिव पर ही करेंगे। तो हमारे जितने भी वायर्स कनेक्ट होंगे, जितने भी हम सीरीज में इसे कनेक्ट करेंगे, सारे को हम माइनस टर्मिनल पर ही कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं, हम इसे इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर बीएमएस का कनेक्शन आपको सीखना है तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक सीखना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इससे पहले एक कनेक्शन का वीडियो बना के डाला है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा वाला वायर हम इस टर्मिनल पर माइनस पर कनेक्ट करेंगे। सीरियल से पकड़ेंगे तो तीसरा वायर होगा, बाकी सीरीज़ की बात करें तो हमारा ये दूसरा सीरीज़ का वायर होगा, दूसरा रेड वायर। तीसरा सीरीज़ का वायर हम इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम चौथा सीरीज़ ये वाला वायर पकड़ेंगे और इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। और पांचवा वायर मतलब पांचवा सीरीज़ यहाँ कनेक्ट करेंगे। छठा वाला सीरीज़ हम इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर, ये इसका लास्ट वायर है, ये वाला, ये हमारा पॉजिटिव वायर होगा और यही सातवां सीरीज़ भी होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर जो है, हम इसको उठा के इस टर्मिनल पर लगाएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। यहीं से हमें पॉजिटिव भी मिलने वाला है और इस टर्मिनल पर हमें ये नेगेटिव मिलेगा, जहां से हमने ये नेगेटिव वायर कनेक्ट किया है। अब हम इस बीएमएस को यहां कनेक्ट करते हैं। यहां पर जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा ये वाला वायर है, ये ब्लू वायर बी नेगेटिव है। तो बी नेगेटिव मतलब जो हमारा बैटरी का नेगेटिव पॉइंट, इधर जिधर हमने ये ब्लैक वायर लगाया है, इधर ये हमारा बीएमएस कनेक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ताकि हमने ये बी नेगेटिव पर, ये नेगेटिव का वायर जो ब्लू कलर का है, ये नेगेटिव वायर मैंने इधर बी नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा ये जो है आउटपुट रहेगा और यही हमारा इनपुट भी रहेगा, जिससे हमारा बैटरी चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। जो हमारा नेगेटिव आउटपुट निकलेगा वो इसी बीएमएस से, ये ब्लैक वायर से निकलेगा, इस वाले वायर से, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे आपको दिखाते हैं इसका कनेक्शन करके, ठीक। ये ब्लैक वाले वायर को नेगेटिव की तरफ रखना है और इसका कनेक्शन कर देना है। तो इस तरह से 24 वोल्ट 50 एएच का बैटरी पैक बनकर रेडी हो चुका है। ये आप वोल्टेज देख सकते हैं, मैंने वोल्टेज चेक करके दिखा दिया, 23.5 के आसपास आ रहा है, मतलब 24 वोल्ट्स है। इसको फुल चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर वीडियो।